हेलो फ्रेंड, केमिस्ट्री ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन में जो स्पेशल प्रॉपर्टी होता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन मतलब होता है जो एल्केन मॉलिक्यूल होता है उसमें हेलोजन ग्रुप का जुड़ना, ये हेलोजिनेशन कहलाता है। रिएक्शन देखते हैं। यह एक हेलोजिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक से यहाँ पर क्या है, हेलोजन ग्रुप कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। एंड ये क्या है, एल्केन है, मेथेन, इसका हमने रिएक्शन कराया तो मेथिल हैलाइड, मेथिल हैलाइड बना एंड हमारा बाई प्रोडक्ट भी बना। एक रिएक्शन का हम एक हैलाइड ग्रुप क्लोरीन को लेके रिएक्शन कराते हैं, CH4 प्लस Cl2। यह मिथिल क्लोराइड बना प्लस HCl बना। यह भी एक हेलोजिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यह हेलोजन ग्रुप इस में एल्केन के साथ ऐड होने से हमारा जो रिएक्शन आया हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये रिएक्शन कैसे हुआ उसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझ सकते हैं, उसको रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो रिएक्शन हुआ है वो थ्री स्टेप में होता है। पहला है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन मतलब होता है कि जो रिएक्शन के लिए इनिशिएशन स्टेप, स्टार्टिंग स्टेप जो है उसको हम क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। देखते हैं जो क्लोरीन मॉलिक्यूल ने हम लोग क्या किए हैं, रिएक्शन में पार्ट कराए हैं, वह लाइट ऑफ एनर्जी के प्रेजेंस में या ब्रेक होगा और क्या फॉर्म करेगा, क्योंकि तो सेम एटम है उस मॉलिक्यूल में, होमोलिटिक मॉलिक्यूल है, तो वह उसके बाउंड ब्रेक होने से फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। सेकेंड स्टेप जो है चैन प्रोपोगेशन। चैन प्रोपोगेशन मतलब इनिशिएशन हुआ, अब जो रिएक्शन आगे बढ़ रहा है तो उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन कहते हैं। जो मेथेन ग्रुप है या एल्केन ग्रुप है वह इस रेडिकल के साथ रिएक्शन करके मेथिल रेडिकल बनाएगा प्लस HCl बाहर निकलेगा। यहाँ पर रिएक्शन कैसे हुआ होगा, जो कार्बन है उसके सराउंडिंग जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं प्लस क्लोरीन रेडिकल, ये क्लोरीन रेडिकल इस कार्बन का और हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करके मेथिल पे एक रेडिकल लाया, प्लस ये जो हाइड्रोजन है वह क्लोरीन के साथ मिलके क्या किया, HCl बनाया। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या हुआ, चैन प्रोपोगेशन रिएक्शन कहलाया। ये जो हमारा रिएक्शन है चैन प्रोपोगेशन हुआ, और ये जो चैन प्रोपोगेशन रिएक्शन है दो बार होता है, मतलब दो स्टेप में होता है। ये जो फर्स्ट स्टेप है एल्केन जो मॉलिक्यूल है वो क्या किया, क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करके HCl बनाया एंड मेथिल रेडिकल बनाया जो CH3 रेडिकल। बी स्टेप में क्या होगा, इसी के अंतर है चैन प्रोपोगेशन के अंतर्गत ही जो मेथिल रेडिकल है वह फिर HCl के साथ, सॉरी Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्लोरीन क्या होगा फिर रेडिकल बनाएगा प्लस उसके रेडिकल जो हैं Cl क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ पर मिथिल क्लोराइड बन गया प्लस एक क्लोरीन रेडिकल फिर रिमूव हुआ रिएक्शन में। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में हमने एल्केन का रिएक्शन देखा है हेलोजन एलिमेंट के साथ, एंड जो रिएक्शन मैकेनिज्म था उसमें फर्स्ट स्टेप था हमारा इनिशिएशन, चैन इनिशिएशन, एंड सेकेंड स्टेप था चैन प्रोपोगेशन जो दो स्टेप में होता है AMP, एंड थर्ड जो है चैन टर्मिनेशन स्टेप।
चैन टर्मिनेशन स्टेप मतलब नाम से पता चल रहा है, चैन टर्मिनेट हो गया, वह रुक गया, समझो स्टॉप किया, वह रिएक्शन क्या हुआ, स्टॉप हो गया, उस स्टेप को हम कहते हैं चैन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होगा, CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल दोनों मिलके CH3 CH3, इस तरह से रिएक्शन होता है चैन टर्मिनेशन में। इसके और भी एग्जांपल हैं, क्लोरीन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल मिलके क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं एंड CH3 जो रेडिकल है प्लस क्लोरीन रेडिकल मिथिल क्लोराइड बनाएंगे। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, चैन टर्मिनेशन रिएक्शन कहलाता है, जब दो रेडिकल आपस में मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पर एथेन मॉलिक्यूल बनाए, जो एथीन रेडिकल है दो एथीन रेडिकल मॉलिक्यूल मिलके एथेन मॉलिक्यूल बनाए, दो क्लोरीन एटम का जो रेडिकल है, दो क्लोरीन रेडिकल क्लोरीन मिलके आपस में क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाए, यहाँ पर मिथिल रेडिकल क्लोरीन रेडिकल के साथ मिलकर मिथिल क्लोराइड बनाए। मतलब ये है कि यह रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसके आगे ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट में कोई रेडिकल नहीं बचा, और रिएक्शन होने के बाद बाई प्रोडक्ट में कोई रेडिकल बन के बाहर नहीं निकला जो फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाता, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए हमको रेडिकल का होना जरूरी है। तो इस प्रोडक्ट में हमको पूरा सैचुरेशन दिख रहा है और इसके साथ कोई रेडिकल वाला रिएक्टेंट नहीं दिख रहा है, तो यह स्टेप कहलाता है हमारा चैन टर्मिनेशन कहलाता है। जो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एल्केन है हैलोजिनेशन का, वह थ्री स्टेप में होता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन।